आज लाल बेल चक्र का, जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रेशर का काम एक मेन सीट में गुड सेंट बनाना सिखा दे, ठीक है। लेटर वगैरह तो हमें पता ही है, तो पीछे की साइड ही रख देगा। हाँ सर, गुड सेंट बोला नहीं है, इसमें बना के दिखाना। और इंटरनल असाइनमेंट भी आ गए हैं बच्चों के। हाँ मैं छब्बीस वाले के बुक्स हैं, ये है आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्ट्रॉन्ग। दोनों इसी क्वेश्चन में, दोनों ऑप्शन आप सीख गए तो आपको आ ही जाएगा। ये पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह आप पूछ सकते हो। ये है स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक, ये है डेटर अकाउंट, और ये है ब्रांच एडजस्टमेंट। क्योंकि अलग से इसमें डिमांड किया है कि भैया आपको तो पीएम का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो आपको इतना रहना पड़ेगा ये, और आप अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है ना। आपने ये ध्यान नहीं, वो बना दिया, मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे चलना होगा। जब ऐसे ना एग्जामिनर बोलता है इस तरीके से करो, वैसे एक में करने में कोई बुराई नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं ऐसे। इसको बना देते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और ऊपर ये चलिए सर। सबसे पहले स्टॉक दे रखा है आपको, डेट है, ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक कितने का है? 40,000 40,000। क्लोजिंग इसके बाद फिर आपका है डेटर, दैट इज ओपनिंग और क्लोजिंग। डेटर अकाउंट का टू बैलेंस वीडियो बता दो, 12। और बाय बैलेंस, इसके बाद दे रखा है पेटी कैश का अकाउंट, बोला नहीं है बनाने को, लेकिन हम पेटी कैश को यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। ओपनिंग कितना है पेटी कैश? 150। माइनस कर देते हैं क्लोजिंग 400। आगे देखेंगे जो आएगा कंज्यूम निकालेंगे। ट्रांजेक्शन रिव्यू करिए, गुड सेंट टू एटो एचओ 336, टू गुड सेंट, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट टू एच ओ, तो अब हमें इसे आईपी पे बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन कहता है 20% ऑन सेल्स, तो कॉस्ट पे 25% हो गया। 420 अरे ये आ गया हमारा 336 प्लस इसका 25%, 84, 420 और प्लस कर देंगे तो 400। अगर यही लिखा होता आपका कॉस्ट टू ब्रांच तो फिर नहीं करते, समझिए ना। ये एग्जामिनर परेशान करता है कई बार, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो बाय रिटर्न कितने रुपए का रिटर्न है? 15। इसके बाद आगे आने हो तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, बाय कैश सेल्स अमाउंट क्या है, कैश सेल्स 180, और बाय क्रेडिट सेल्स कितने अमाउंट है? 1,00,000। कैश 1,05,000 और 1,80,000 है ना, ये 1,05,000, और ये है 1,80,000, ये ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखते हैं नॉर्मल लॉस आईपी पे 350, तो बाय में आ जाएगा नॉर्मल लॉस 350। गुड्स प्रीफर्ड के बारे में, गुड्स प्रीफर्ड कितने हैं? 3,000। ये अब्नॉर्मल लॉस होता है, गुड्स गुड्स लॉस बाय फायर, क्या ये भी अब्नॉर्मल मानेंगे? इंश्योरेंस
कंपनी पेड टू हेड ऑफिस, भैया पीएनएल बना दे रहे हो बाय इंश्योरेंस 2000, कैश सेंट फॉर कैटी, तो ये ऐड हो जाएगा प्लस 10 32000, ठीक है। तो 150 माइनस 250 प्लस 32000 31900 आप चाहे अकाउंट बना लीजिए, मैंने अकाउंट नहीं बनाया, सिंपल था। बैड डेट्स डेली ब्रांच टू बैड डेट्स, बेनिफिट्स कितने का है 400, और यहां भी आ जाएगा बाय बेनिफिट्स 400। बेनिफिट्स का ग्रुप ट्रांसफर टू आगरा ब्रांच अंडर इंस्पेक्शन, तो हमने ट्रांसफर किया है, हम कौन से ब्रांच है दिल्ली, ट्रांसफर किया है तो बाय आ जाएगा, ट्रांसफर कितने हैं 12, ठीक है। इसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस चार्ज पेड, ये जब क्लेम इधर मिला है तो इंश्योरेंस इधर आ गए, कितने हैं 200। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, तो सेल्स रिटर्न यहां भी आ जाएगा, कितने रुपए हैं 500, और एक सेल्स रिटर्न इधर भी आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स इधर आते हैं ना, हालांकि डेटर अकाउंट से हम कुछ निकाल के कर भी नहीं सकते हैं, ये क्या अकाउंट है कैश तो यूजेबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने डिमांड किया है तो हमें बनाना है ना। चलो बस इसके बाद तो आपका सॉल्यूशन था, सिंपल सिंपल हम निकाल लेते हैं, यहां से निकल जाएगा इसकी भी 40,500 150, ठीक है। नाउ 192 कैश कलेक्शन आ गया 180, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टॉक रिजर्व, फिर किस पे है स्टॉक रिजर्व, ये है हमारा पहले तो ओपनिंग पीरियड, कितने परसेंट है सेल्स पे 20%, तो 8000 आ जाएगा, उसके ब्रैकेट में लिख भी देते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर टू ओपनिंग के बाद गुड सेंड कर देते हैं, नहीं ये गलत लिख दिया, ओपनिंग इधर जाएगा, ओपनिंग तो इधर जाएगा, ये क्लोजिंग आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय स्टॉक रिजर्व द ओपनिंग स्टॉक दैट इज 8000, और बाय स्टॉक रिजर्व, और ये गुड सेंड पता ही है तो 84000, और बाय स्टॉक रिजर्व, और किसी पे आएगा कौन, और किसी पर नहीं आया, सेल्स रिटर्न पे नहीं निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 141,150 का 20%, 28,230 कितना आएगा 28,230, फिर स्टॉक रिजर्व यहाँ पे रिटर्न पे आ जाएगा, रिटर्न 15,000 पे 20% बैठे उसके लिए टू स्टॉक रिजर्व, ये प्रीफर्ड पे आ जाएगा, प्रीफर्ड है 3,000 पे 20% बैठे 600, और बाकी यहाँ आ जाएगा रिमेनिंग, है ना, टू गुड्स प्रीफर्ड यानी 2400। इसके बाद टू स्टॉक रिजर्व लॉस क्या आ जाएगा भाई 5,000 का 20% दैट इज 800, और बाकी आ जाएगा लॉस वाले भाई यहां पे कितने
बत्तीस, और टू आपका आ जाएगा नॉर्मल लॉस पूरा आ जाएगा, और तो कुछ नहीं बचा मेरे एग्जाम से। चलिए टोटल कर लेते हैं 8,84,000 92,000 ट्रांसफर है 12,000 का 20% कितना 24,620 बनाने के लिए हमेशा हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर का रिजर्व का मतलब स्टॉक रिजर्व से क्या क्लियर हो रहा है सर? स्टॉक रिजर्व से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हम लोडिंग वाला निकालते हैं वही होता है स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व जब बनाना है तो हमेशा याद रखिए सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का लिखा है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है स्टॉक में? टू। तो हम बाय लिख देंगे, बाय बैलेंस बी, ये आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग का रिजर्व, सिर्फ रिजर्व है। ठीक है, ओपनिंग का रिजर्व कितना था हमारा 8,000, इधर लिख देंगे 8,000, और क्लोजिंग का रिजर्व का कितना था 28,30। ये पहले ये समझो, लिख लिया ये, और रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी होता है इसलिए बैलेंस बीडी इधर से शुरू हुआ और सीडी। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसकी एंट्री करी थी कहां? ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आप एंट्री देखोगे तो यहाँ पे हम लिख रहे स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग टू में, तो स्टॉक रिजर्व चला जाएगा बाय में, और यहां पे y साइड में आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट कितना 28,230। और इधर देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक का हमने y में लिखा था, तो 2 में आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट कितने 8,000। दोनों साइड अल्टीमेटली मैच हो जाएगा, यहां से कभी बैलेंस बीडी की नहीं निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ किस पे बनाना है आपको? ये ओनली क्लोजिंग स्टॉक पे इसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, कितने 36,230, तो बड़ा सिंपल था ये भी 36,230। यानी सर इसको बनाने के लिए एक तो आपको ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व इस्तेमाल करना है, और दूसरा नंबर क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व इस्तेमाल करना है। बस सर गुड सेंट बनाने के लिए एक तो गुड सेंट का इस्तेमाल करना है, और दूसरा नंबर इसके ऊपर लोडिंग इस्तेमाल करना है, यानी स्टॉक रिजर्व इस पे, स्टॉक रिजर्व ऑन गुड्स एंड। नंबर तीसरा आपको इस्तेमाल करना है अगर कोई रिटर्न किया है हमने, किसको? टू एचओ को। ठीक है, अगर हेड ऑफिस को कोई रिटर्न किया है तो वो लिखना है। नंबर चार अगर कोई गुड्स हमने ट्रांसफर किया है तो वो लिखना। तो सबसे पहले गुड्स एंड देखो, तो टू में आया था हमारे स्टॉक में, तो यहां पे बाय में आ जाएगा, बाय वहां पे गुड सेंट है, तो यहां आ जाएगा स्टॉक अकाउंट कितना था हमारा 40 लिख देंगे, और इसका रिजर्व इधर उतार देंगे, टू स्टॉक रिजर्व गुड सेंट कितना था 84,000।
इसके बाद जो रिटर्न किया था वो इधर आ गया था हमारा, क्या रिटर्न किया था, गुड्स रिटर्न किया था, तो इधर आ जाएगा 15,000। इसका लोडिंग इधर निकाल देंगे, स्ट्रॉन्ग रिजर्व रिटर्न पे, जो कि आ गया था हमारा 3,000। और एक ट्रांसफर किया था वो भी इधर था, गुड्स ट्रांसफर कितने थे 12,000, और बाय स्टॉक रिजर्व आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 2,400 ट्रांसफर वाला, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन में बोला नहीं है मैं करके, बस इतनी चीजें लिखनी है यहाँ पे, और कोई प्लीफर्ड हुआ ये हुआ उन सभी का कोई काम नहीं करना। मेजरली आपका अगर ग्रोथ रिटर्न हेड ऑफिस को हुआ है तो वो वाली एंट्री कर देना है, और अगर आपने किसी को ट्रांसफर किया है तो वो कर देना, टोटल करके बैलेंस सीधे निकाल देना। 4,25,400 इधर लिख लोगे टू बैलेंस सीडी यानी -84,000 -15,000 गया 3,14, जो कि बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होने वाला गुड्स ये है जो खरीदा है। इसके आगे परचेज भी लिख सकते हैं, जो परचेज हमने किया है वो 3,14,400 का परचेज किया है। ये दोनों हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखो गुड्स एंड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी गिवन है और 26 बोल रहे थे 26 का भी गिवन, ठीक है। हमने इस वाले क्वेश्चन में भी गुड्स एंड बोले बनाने का बोला हुआ है, तो समझ में आ गया कैसे बनेगा आपका। आप आंसर चेक कर सकते हो वहां पे किस तरीके से, आपके बुक में है तो मैंने बता दिया। अब देखिए वॉइस ठीक है, फटाफट नोट करिए।